आप 14वें दिन क्या स्थिति देख रहे हैं वहां पर, क्योंकि अब संशोधन लिखित में दिया जाएगा, जिस तरीके से सरकार ने प्रपोजल दिया है उसको लेकर किसानों के बीच किस तरह की बातचीत चल रही है, क्या बात बन सकती है, क्योंकि कल एक बार फिर से वार्ता होनी है, आज जो वार्ता होनी थी उसे कल के लिए टाल दिया गया है, ऐसे में क्या स्थिति वहां पर इस वक्त? देखिए, दोनों तरफ से स्थिति बिल्कुल साफ है। किसान कह रहे हैं कि बिल खत्म हो, सरकार कह रही है किसी तरीके से आंदोलन खत्म हो। किसान अब भी टिके हुए हैं। हम आपको दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर बैठकों का दौर जारी है, आपस में किसान चर्चा कर रहे हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं। इन्हीं से पूछते हैं कि अब जब सरकार ने कहा है कि आप लिखित जो प्रस्ताव है उस पर विचार कीजिए, तो क्या कुछ आगे का रास्ता बनता हुआ दिख रहा है? अभी कुछ रास्ता नहीं, ना हमारी कोई बातचीत हुई, हमारी मीटिंग होगी, किसानों की पंचायत होगी, आपस में बैठ कर जब बातचीत होगी, जब भी कुछ कहा जाएगा, इससे पहले हम कुछ नहीं कह सकते। तो क्या आज पंचायत होनी है, क्या होना है आज, क्या हम उम्मीद करें, क्योंकि कल जो बात हुई रात में गृह मंत्री के साथ, उसके बाद अब क्या स्थिति बन? जब अगली बैठक के लिए सरकार बुलाओगी हमारे नेताओं को, तब बात करेंगे। तब तक सरकार हमारे चौधरी राकेश टिकैत जी को नहीं बुला रही। जब वार्ता के आज का दिन वार्ता का था, और वो आज का दिन वार्ता में अगला समय सरकार चाह रही है, आज वो अपने कैबिनेट की बात करेगी, वहां तय करेंगे जो कुछ भी बताऊंगे हमारे नेताओं को। तो अभी लिखित जब प्रस्ताव आएगा तो उस पर क्या विचार करेंगे, या आप चाहते हैं कानून खत्म? उसका हमें पता तो चलेगा, वो लिखित में क्या प्रस्ताव आओगा। अभी तो कैबिनेट की बैठक होगी इनकी, ये प्रस्ताव लिखित में देंगे, उसे हम देखेंगे क्या प्रस्ताव इन्होंने दिया, किसान के हित में है या नुकसान में है, उस पर जब भी तो आगे कुछ चर्चा होगी, जब उसका पता चलेगा वो है क्या चीज। तो बिल्कुल जो नेहा यहाँ पर बात निकल के आ रही है कि ब्लैक एंड व्हाइट में सब कुछ साफ साफ हो जाए, अगर सरकार लिखित प्रस्ताव देने लेकर के आ रही है तो लिखित प्रस्ताव में है क्या, संशोधन आखिरकार है क्या, जो बातचीत हो रही है क्या उसी के अनुरूप है, या फिर बिल जो इनकी डिमांड है उसमें ऐसे बदलाव है, ऐसे संशोधन है जिससे इनकी भी बात बन जाए, तो ये तमाम चीजें उस पर नजर है कि सरकार की तरफ से क्या लिखित प्रस्ताव आता है इनके पास, क्या कुछ टेबल पर आता है, उस पर आज पंचायत होगी जैसा ये बता रहे हैं। उस पंचायत में तमाम चीजें ये तय की जाएंगी कि जो कल होने वाली बातचीत है उसमें क्या कुछ तैयारी करके जाएं किसान अपनी तरफ से, और क्या सरकार का प्रस्ताव उनको मंजूर भी होगा या नहीं। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास हमारे तीन संवाददाता तमाम जानकारी देते हुए कि किस तरीके से कल जो बातचीत हुई वो बेनतीजा रही, 2 घंटे तक बैठक अमित शाह के साथ हुई, आज लिखित में संशोधन दिया जाएगा सरकार की ओर से, और इसी संशोधन को लेकर किसान यूनियन आपस में बातचीत 12 बजे करने वाले हैं, लेकिन आज जो बातचीत सरकार के साथ होनी थी उसे कल किया जाएगा। इस बीच आपको यह भी बता दें कि पंजाब किसान नेता सुखविंदर सिंह ने कहा है कि कल की बैठक की कोई जरूरत नहीं थी, उन्होंने सरकार पर कॉरपोरेट के दबाव में होने का आरोप लगाया है। कल की मीटिंग की तो की कोई नहीं बनती थी, कल मीटिंग का कोई टाइम नहीं, समय नहीं था, हर बड़ाट में सरकार ने मीटिंग बुलाई भी आप अगर प्रपोजल ले जाएं, और प्रपोजल के लिए भी कभी अमित शाह के घर कभी वो विज्ञान भवन में मतलब दौड़ाते रहे किसानों को, मतलब सरकार की नीयत और नीति में फर्क है, खोट है, हम पहले दिन से बता रहे हैं। सरकार इतनी जल्दी ये बिल दरस्त करने वाली नहीं, क्योंकि कारपोरेट जगत का कुंडा पूरी तरह उनके ऊपर है, वो पूरे देश के अवाम को एक तरफ खड़ा करके कारपोरेट जगत के साथ खड़े हैं। हम कहना चाहते हैं कारपोरेट जगत ने आपको सहारा नहीं देना, जनता के बीच आकर जवाब देना पड़ेगा, जनता जाग रही है। अगर लोग नहीं ये चाहते कि ये कानून हमारे पे जो थोप रहे हो, जबरदस्ती दे रहे हो, हमारे को नहीं चाहिए जो चीज, वो क्यों दे रहे हो, उसको तो पहले से ही हम बोल रहे हैं निरस्त करना चाहिए, और नया कानून एक लाना चाहिए, MSP गारंटेड हो, मैक्सिमम रेट गारंटेड हो। MSP गारंटेड भी करने को तैयार नहीं है, वो भी कारपोरेट जगत के सहारे पर, और मैक्सिमम रेट भी कारपोरेट जगत का, तो सरकारों का यह काम क्या है, सरकारें किस लिए बनाई जाती है, सारा कुछ प्राइवेट कर देना है तो सरकार किस लिए चुनी जाती है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।